ακόμα, maybe. Βολε κοί ή κάποιοι με την τσόχτη να μην ασύντω. नॉर्मल जो आपकी कोई भी बीफ स्टेक है ना उसका वेट आपका तकरीबन 250 ग्राम का कोई भी स्टेक से आपकी होती है, ठीक है, 240 250 इस तरह से। चिकन है तो हाँ ब्रेड में इसका उसमें मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ग्रामेज के हिसाब से सारी की सारी, ठीक है। ये राड है ना, राड हमेशा ऐसे ही राड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर जब ये आपका कह लो कि डीफ्रोज हुआ हुआ था ना, तब इसको प्रॉपर इसको रोल करके सही तरह से इसको प्रॉपर रैपिंग शीट के साथ इसको रोल किया जाता है, फिर इसको फ्रोजन किया जाता है, तब जाकर प्रॉपर। इसको कैसे रैप करना है और किसमें रैप करना है? रैपिंग शीट में, ये क्लिंग फाइल पड़ी होती है, ठीक है, हाँ उसके अंदर मतलब प्रॉपर खोल के फ्रीजर में डीप सही तरह प्रॉपर उसको फ्रोजन करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको उसमें मुख्तलिफ है कि अगर आप लोग उसको आपकी स्टेप लाइन बीफ स्टेक्स जिस तरह की आ जाती है फिंगर्स में, आप लोग उसके लिए कटिंग करना चाहो उसके लिए कटिंग कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर फिले के ऊपर ले देना, अगर आप लोगों ने आपसे ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखी और रेस्टोरेंट की वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें ज़्यादातर वो ये वाली मतलब उस वुडिंग के जो आपके आ जाते हैं ना सेटअप, उसके ऊपर आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं प्रॉपर, मतलब इस तरह से 7 से 8 पीसेज बड़े होते हैं। तो ये इस वजह से फिर आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि ज़्यादातर इसके अंदर, लेकिन वैसे जो है बीफ स्टेक है ओवरऑल जो राड की आपकी आ जाती है वो 250 ग्राम की ही है, 240-250 ग्राम की एक फिले होते हैं। मैरिनेशन की सारी चीज़ें निकालें, जिस तरह बात की नीचे आ रहा होता है ना कि डोंट ट्राई एट होम, तो आप लोग ये ट्राई ना करें घर पे, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ। कटिंग बोर्ड पे कटिंग कौन कौन करने थे आपने से? गार्लिक आ जाता है आपका इसके अंदर, ठीक है, ये मैरिनेशन है ओवरऑल बीफ स्टेक्स की, 5 से 7 ग्राम आपका इसमें जो है ना आ जाता है आपको गार्लिक। थ्री टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर यूज़ किया मस्टर्ड का, ओवरऑल सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर क्रैश भी यूज़ कर सकते हो, क्रैश इसको कहते हैं कि आपका एक पूरा ब्लैक पेपर साबुत दाना है उसको पैन के अंदर हल्का सा सोते करो और उसको मतलब आप रोलर के साथ या किसी के साथ भी उसको हल्का सा क्रैश कर लो, तो मतलब 1/2 जब उसका हो जाता है उसको क्रैश ब्लैक पेपर कहते हैं, ठीक है। ड्राई ऑरेगानो 1 टेबल स्पून, ये एंड पर बेशक मैं आप लोगों को रेसिपी लिखवा दूँगा, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, अभी बेशक आप लोग सिर्फ देखो एक दफ़ा। क्रैश चिली है, ठीक है, 2 टीस्पून, सोया सॉस है, सोया सॉस यूज़ करते हैं बेसिकली उसको सॉफ्टनेस के लिए, कोई भी चिकन है या बीफ है, ठीक है, कितना शायर सॉस है, ठीक है, ये भी गलाने के लिए यूज़ करते हैं, 15 ml, ठीक है। चिली सॉस है, चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो, एक पेस्ट बनता है जो हम नॉर्मल किचन के अंदर यूज़ करते हैं चाइनीज़ के लिए, थाई चिली पेस्ट, ठीक है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरी पपरिका पाउडर पता नहीं रेसिपी के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, चेक कर लो एक दफ़ा, उधर से पपाया मुझे दे दो, पपाया का पाउडर पड़ा होगा वो मुझे दे दो। दो से तीन ग्राम, ठीक है, फ्रेश पपीता जो होता है ना आप उसका भी छिलका उतार के बीन्स का इसके निकाल के सीड्स का साइड पे करके उसको आप लोग फूड प्रोसेसर में या ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दो, उसके बाद उसकी भी आप 1 टेबल स्पून अगर बीफ आपका गल ना रहा हो, खास करके बीफ स्टेक है या कोई तरह का बीफ है तो उसके अंदर आप लोग यूज़ करो तो वो भी मतलब कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल ये है कि आपका मिक्स करने का जो स्टाइल है ना इसका उस पर डिपेंड करता है, कि एक बात ये होता है कि आपकी मैरिनेशन फट जाती है, ऑयल को अपने अंदर जज्ब नहीं प्राप्त तरीके के साथ कर पाती, वो किस वजह से आप लोग उस केसर के साथ मिक्स नहीं कर रहे होते, ऑयल किस वजह से यूज़ करते हैं कि जब आप उसको पैन के अंदर ग्रिल करते हो या हॉट प्लेट पर या ग्रिल पर तो आपको ऑयल कम यूज़ करना पड़े ताकि वो नीचे चिपके नहीं। दूसरी आपकी चीज़ आ जाती है कि अगर उनको भी मैरिनेशन है उसको बढ़ाना है, फर्स्ट करके आपकी मैरिनेशन है 1 kg की, आपके पास बीफ है या 5 kg या 10 kg है, तो आप उसमें साथ में उसकी कोई भी कंसिस्टेंसी उसको बढ़ाने के लिए आप लोग ऑयल का यूज़ करोगे, ठीक है ना, कि ऑयल आपका तकरीबन इसमें ये है कि आज जिस तरह आपने आपके मेरे सामने यूज़ किए ना
तो ये कम अज़ कम इसमें नेशन को 2 kg के लिए आप लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। स्पाइस थिकनेस साथ में उसकी आयल के साथ साथ उसकी आती जाएगी। अब ये नहीं है कि 10 किलो का बीफ है तो आप लोगों ने इसमें 5 किलो की मैरिनेशन बनानी है, लेकिन उसमें ये है कि ये नहीं कि सारे स्पाइस डालने हैं, साथ में आयल है, आयल यूज़ होता है उसके मैरिनेशन को बढ़ाने के लिए। जितना तकरीबन 150 ml 150-200 ml जाएगा। हाँ वो मैं आपको सारी एंड पे सारा को रिपीट कर दूँगा, जितनी भी आपकी ग्रामेज है वो मैं एंड पे आपको सारी बता देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं। मैरिनेशन वैसे जो तो स्टेक्स को लगा के रखते हैं ना, वो नॉर्मल से नॉर्मल 8 से 10 घंटे के लगा के रखते हैं, 8 से 10 घंटे बाद उसको जाके टेस्ट आता है। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम के ऊपर ठीक है ना, इसको कुक करना है, स्टोव रखो साथ में। मिल्क का क्रीम है ठीक है, तकरीबन 60-70 ग्राम साल्ट है, इसको नीम गर्म पानी के साथ साथ ही मिक्स कर लेना वरना दाना बना देगी ठीक है। एक सही तरह से कुक हुआ हो क्योंकि कैप्सिकम बात नहीं होती कि आपकी कच्ची रह जाती है सोते करते वक्त या फ्राई करते वक्त ठीक है, दो बराबर आपकी कुक होनी चाहिए। फ्लाइट मशरूम है ना, वो बटर मशरूम आ जाती है। ये जैसे जैसे पकती जाएगी साथ साथ ठीक होती जाएगी। मिल्क पैक क्रीम है ठीक है, फेस में इसके चिकन पाउडर है, हल्का सा सॉल्ट है ठीक है, क्योंकि ब्राउन सॉस खुद एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ठीक है, साल्टेड फ्लेवर है ठीक है, उस वजह से इसको बिल्कुल हल्का सा चिकन पाउडर मैंने ऐड किया। बेशक स्क्रीन में बना लो बेशक अलग पैन में बना के बना सकते हो ठीक है।
होता है ना, कुछ नमकीन बनाओ। फिर करता है ना, आप